अरे भैया थोड़ी देर इंट्रो तो दे लेते थे। ओए तो सर में चढ़ के इंट्रो देगा क्या नूब कहीं के। ए भैया यार मैं तो मजाक कर रहा था। विश गाइस आज हम लोग रोब्लॉक्स में खेल रहे हैं ग्लैडिएटर टाइकून। ग्लैडिएटर टाइकून हां भैया आज हम लोग को अपनी भैया आर्मी बनानी है। आर्मी लेकिन किस चीज की? सोल्जर्स की भैया, सोल्जर्स की। ओए सोल्जर्स, ओए वो तो वो सोल्जर्स लेकिन किस टाइप के सोल्जर्स? ए भैया आज हम लोग ग्लैडिएटर्स की आर्मी बनाएंगे। तो चलो गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और गाइस अभी तक अपने वीडियो को लाइक ना किया तो कर देना वीडियो पर लाइक, दोस्तों चैनल को टक से सब्सक्राइब कर देना। वैसे मतलब ये जो दो सूट है यहाँ पे सही में मिल रहे हैं क्या? कौन से सूट भैया? कहीं यहाँ भैया नाइट सूट और ये ग्लैडिएटर, ग्लैडिएटर नहीं मतलब कि लाइट ग्लैडिएटर सूट की तो बात नहीं कर रहे? बिल्कुल सही कहा, एग्जैक्टली इसी की बात कर रहा हूँ। हाँ भैया वो तो रोबक्स है 149 का भैया, एक पड़ेगा। अच्छा मुझे लगा फ्री का मिल रहा है। ठीक है ठीक है, मैं बिना सूट के मुंडा पावरफुल हूँ। भैया वैसे मुझे दोनों सूट अच्छे तो लग रहे हैं, खासकर भैया ये नाइट सूट तो काफी अच्छा लग रहा है, नाइट ग्लैडिएटर। ओए हाँ कूल तो लग रहा है। है भैया मुझे तो भाई करना है इसे। चलो गाइस लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टाइकून वगैरह को बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि गाइस टाइकून बिल्ड करके अपनी एक बड़ी सी आर्मी तो खड़ी करनी है यार। अभी तो हम लोग के सोल्जर्स की ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गाइस हम लोग इन लोग को जंग में भेजेंगे। और गाइस यहाँ पे सारे के सारे चेक पॉइंट्स अपने नाम कर लेंगे। अच्छा ये भी है क्या? हाँ भैया आपको पता नहीं था क्या? ओए नहीं मुझे पता था मुन्ना, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओए तो फिर भैया क्यों पूछ रहे हो? विस गाइस हम लोग काफी तेजी से टाइकून को बिल्ड अप कर रहे हैं। और गाइस एक बार टाइकून बिल्ड हुआ ना तो हमें फिर कोई नहीं रोक सकता। ओए क्यों कोई नहीं रोक सकता? बिल्कुल रोका जाएगा, क्या गारंटी है कि नहीं रोका जाएगा? ए भैया अब सोल्जर्स तो सामने वाली टीम के भी रहेंगे। मतलब भैया सामने वाली टीम में क्या बोल रहा हूँ, मतलब भैया आपके भी तो सोल्जर्स रहेंगे ना। हम लोग को भैया अपने अपने चेक पॉइंट्स में कब्जा जमाना है। ओए तो तू यहाँ क्या करा, निकल ले नूब, मुझसे पंगा लोगे? ये लो आप भी मार खाओगे क्योंकि मेरे पास भैया तलवार है। तलवार है तो कुछ भी करेगा, ये ले। ए भैया फोड़ डालूंगा दोबारा पंगा लिया तो। ये कौन है यार? ये ले तू भी मार खाएगा क्या? है ये ले फिर मार खाओ। अरे बाप रे मेरी हेल्थ कम हो गई गाइस, और मैं भी गया अभी बहुत हो गया। लगता है गाइस हम लोग को एक सूट बाय करना भी पड़ेगा जिसका नाम है डार्क नाइट सूट। लेकिन इससे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे ग्लैडिएटर का स्पॉनर बना देते हैं ताकि गाइस हम लोग के भी सैनिक लोग गाइस चेक पॉइंट्स में कब्जा करने के लिए जा सके, क्योंकि अभी तो इन लोग की ओनली ट्रेनिंग ही चल रही है। लेकिन गाइस अभी हम लोग के ग्लैडिएटर जाएंगे और चेक पॉइंट पे कब्जा करेंगे। और गाइस उसके लिए भी हम लोग एक और चीज बाय कर रहे हैं जो कि होगा डार्क नाइट सूट। अभी तो भैया मुझे कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। ए मिला कि नहीं? हाँ ये ना गाइस देखो कितना कूल लग रहा है। और तूने बाय कर लिया? हाँ भैया मैंने बाय कर लिया। अभी आ जाए, किससे मुझसे पंगा लेना है? वो बंदा किधर है जिसने मुझे मारा था? अभी उसको फाड़ डालूंगा। ओए पंगा लेगा भैया से, पंगा लेकर दिखा तब जानू। कोई भी सूट लेके आ जा, भैया से नहीं जीत पाएगा। ओए तो ये भैया आपकी गलत फैमिली है। आ जाओ भैया मैं आपको यहाँ पे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ आपके घर के बाहर। मेरे घर के बाहर? तेरी तो। ओए ये क्या पहन के आ गया? ये तो कार्टून लग रहा है। कार्टून है भैया? ये डार्क नाइट सूट है, ये लो मार भी खाओगे इससे। ओए तू क्या मारेगा, मैं तुझे खुद निपटा डालूंगा। हाँ भैया पहले इस सूट के सामने टिक तो पाओ। ओए ये 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 सूट इतना पावरफुल कैसे है? है भैया ये कोई आलतू फालतू सूट नहीं है, ये भैया डार्क नाइट सूट है। और भैया इसमें इतनी पावर है कि ये किसी को भी हरा सकता है। क्या बात कर रहा, सही में? हाँ भैया बिल्कुल सही में। चलो गाइस अभी हम लोगों ने 100 मिलियन कॉइन बाय कर लिए हैं। अभी गाइस हम लोग अपने टाइकून को और भी तेजी से बिल्ड कर पाएंगे और साथ में सोल्जर्स को भी पावरफुल बना पाएंगे, क्योंकि गाइस अभी हमारे जो सोल्जर्स है ना काफी ज्यादा थोड़ा सा कमजोर लगता है। लेकिन गाइस एक बार हम लोगों ने उन्हें अपडेट किया ना तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। और गाइस हम लोग एक साथ कई सारे चेक पॉइंट में एक साथ कब्जा कर लेंगे, मतलब पूरे टाइकून में हमारा राज होगा। है ओए मुन्ना मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं भी अपने एक ग्लैडिएटर सोल्जर्स की आर्मी बनाऊंगा और फिर देख लेंगे मुन्ना किसके सोल्जर्स में कितना दम है। हाँ भैया क्यों नहीं यार, क्योंकि मेरे सोल्जर्स भैया इतना ज्यादा अपग्रेडेड हो चुके हैं कि भैया उनको हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अगर भैया दो पार्टी भी आके मेरे सोल्जर्स से आके युद्ध करती है ना तो भैया
मेरे ही सोल्जर जीतेंगे। ओए तुम ना बुला ले अपने सोल्जर्स को, क्योंकि अब मैंने भी एक आर्मी क्रिएट कर ली है। ओए अब तुम ना मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। हाँ भैया क्यों नहीं, चेक पॉइंट पे कब्जा करना शुरू कर दो, क्योंकि भैया उन चेक पॉइंट्स में मेरा भी कब्जा होने वाला है। और भैया अगर एक बार मेरा कब्जा हो गया ना तो मेरे भैया सैनिक उधर से नहीं हटेंगे। क्या बात कर रहा है तू मुन्ना, तूने हम लोग को अंडरएस्टिमेट कर लिया है। क्या मतलब हम लोग को अंडरएस्टिमेट कर लिया, कितने लोग हो आप लोग बताओ तो जरा मुझे। सबको भैया एकदम अपने तलवार से काट कर रख दूंगा। ओए तेरे पास तलवार है? हाँ भैया है ना, टाक नहीं सोर्ड। ओए अच्छा वो तेरी सोर्ड है। ओए मुन्ना सोल्जर सोल्जर्स को लड़ने दे, उनके बीच तू मुन्ना इंटरफेरेंस मत कर, लेकिन अगर भैया से लड़ना है तो फिर आ जा। हाँ भैया क्यों नहीं, आपको हरा के मुझे मजा भी आएगा। वैसे भैया ये पिद्दी सोल्जर्स मेरा वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सामने अगर कोई अपोनेंट ही अच्छा हो ना तभी तो भैया युद्ध में मजा आता है। बिल्कुल मुन्ना युद्ध तो होके ही रहेगा। हाँ भैया क्यों नहीं, क्योंकि भैया आप मेरे डार्क नाइट सूट के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। बिल्कुल क्या, एक सेकंड में भी आपका टिकना मुश्किल हो जाएगा। है तो भैया क्यों पंगा ले रहे हो, जाओ ना भैया अपने घर। ओए मैं घर जाने के लिए नहीं आया हुआ हूँ, मैं यहाँ पे टाइकून बिल्ड करके इस टाइकून का किंग बनने आया हूँ। ओए किंग है भैया, वर्ड आपका कूल है लेकिन भैया रियलिटी में ये भैया कूल नहीं है, तो भी मेरे लिए है। बिकॉज भैया इस टाइकून क्या भैया, इस मैप का किंग तो एक ही है, तो भैया ऑगी सिंह बॉडी वालिया बॉडी वाली अपने लिए होगा लेकिन मेरे लिए नहीं होगा। है भैया जितना बोल रहा हो बोल लो, मुझे पता है भैया रियलिटी क्या है और आपको भी पता होनी चाहिए। ओए मुझे पता है मुन्ना रियलिटी क्या है, तुझे क्या लगा तेरे पास डार्क नाइट सूट है तो मुन्ना कब तक तुझे प्रोटेक्ट करके रखेगा। ओए है भैया हमेशा के लिए। देखो भैया इस टाइम जितने भी चेक पॉइंट दिख रहे हो सब भैया मेरे कब्जे में है। ओए कुछ टाइम के लिए मुन्ना, ये देख बीच वाले सेंटर में कब्जा हो चुका है। तो भैया अब सच्चे मुझसे पंगा लेना चाहते हो तो आ जाओ ना। ओए बिल्कुल मुन्ना, मैं तो इंतजार ही कर रहा था, आ जा डरता थोड़ी हूँ। ओए ओए सैनिको इस चेक पॉइंट पे कब्जा किया जाए और भैया को तो मैं संभालता हूँ। किधर जाते हो भैया, जरा इधर तो आओ। ओए रुक जा, पीवीपी ऑन करने दे, इधर आ नूब। मुझे नूब बोला, ये लो फोट डालूंगा। मेरे डार्क सूट के सामने भैया आप बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। ओए मुन्ना काफी हद तक तुझे निपटा दिया था इस बार। हाँ भैया लेकिन आप कामयाब नहीं हुए, भैया आपका एफर्ट अच्छा था लेकिन भैया इतना नहीं चल पाएगा। ओए मुन्ना तू ओनली बचा है तो एक ही वजह से बचा है, जो कि तेरा डार्क नाइट सूट है। ओए एक बार मुन्ना मैं इसको ब्रेक करने में कामयाब हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं। ओए ए भैया आप मुझे कभी नहीं ब्रेक कर पाओगे, चाहे मेरी हेल्थ भैया एक HP क्यों ना बची हो। ओए तो फिर ये लो भैया फिर आप भी है। भैया मेरे ही टाइकून में मुझसे लड़ने आओगे तो यही होगा। ओए मैंने सोचा तेरी हेल्थ काफी कम बची हुई है। ओए बोला था ना भैया मैंने, अगर मेरी हेल्थ एक HP बची हुई है ना तो भैया इस डार्क नाइट सूट की भैया एक खासियत भी है। ओए क्या खासियत है? कि भैया मेरे को अगर पावर की जरूरत पड़ी ना तो भैया मैं इससे पावर और भी बढ़ा सकता हूँ अपनी। ये कौन सी पावर है, ये तो तूने कभी नहीं बताया। ओए ये भैया मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि भैया इस बार मेरी हेल्थ सच्ची में काफी कम बची थी लेकिन भैया मुझे जरूरत पड़ी और मैंने आपको भैया स्लैश कर डाला। ओए ये तो मुन्ना तेरी गलत फैमिली है, क्योंकि मैं इस बार आर्मर पहन के जो नहीं आया था। ओए कोई भी आर्मर पहन के आ जाओ नहीं जीत पाओगे। ओए अच्छा ये बात है क्या? हाँ भैया यही बात है। भैया मुझे एक हिसाब क्लियर करना है, निकल ले यहाँ से। मुझे पिछली बार तूने मारा था ना, गाइस वही बंदा है जो शुरुआत में एकदम शुरुआत में हम लोग को मारा था। लेकिन गाइस अभी इसे भी अंदाजा हो चुका होगा कि इसका पंगा किससे हुआ था। है ओगी सिंह बॉडी वाले, हे सोल्जर्स इस मीट वाले चेक पॉइंट में भी कब्जा किया जाए और इस पे तो मैं देख लेता हूँ कौन है इधर, आखिरकार सामने क्यों नहीं आता। वैसे मन्ना तू टाइकून वाइकून में भी ध्यान दे रहा है कि नहीं? ओए अरे भैया टाइकून तो इतना बिल्ड कर दिया है कि भैया आप खुद ही आके जब मुझे देखेंगे ना तो भैया हैरान हो जाएंगे। ओए मैं भला तुझे क्यों देखने आऊंगा, ओए तेरे में ऐसा खास क्या है? है भैया मैंने इस बार दूसरा सूट पहन लिया, अब भैया डार्क नाइट सूट से डरते थे ना, आ जाओ भैया नॉर्मल सूट में फाइट हो जाए। ओए यही ना बात मुन्ना, आखिरकार तो अपने बिल से बाहर आ ही गया। ओए क्या मतलब है बिल से बाहर आ गया, आ जाओ भैया मैं आपसे बिना सूट के भी लड़ सकता हूँ। तो फिर ये ले कहाँ जा रहा है नूब,
अरे भैया मैं कहीं पे नहीं जा रहा हूँ, आप आओ सामने। ओए मैं आ गया मुन्ना। कैसा लगा मेरा वारा? सरप्राइज है भैया, आई लाइक सरप्राइजेस। लेकिन भैया इस बार नहीं चलेगा, ये लो। ओए तू ये ले, आज तू नहीं बच पाएगा। हाँ भैया, जब मेरी माँ से आप बचोगे तब ना। क्या हुआ भैया, इस बार तो मैंने नॉर्मल सूट पहना था, इस बार भी आप मुझे हरा नहीं पाए। चलो गाइस, अभी हम लोगों ने भैया को तो प्रूफ कर दिया है कि वो हमसे कभी नहीं जीत पाएंगे। ओए मुन्ना, वो जस्ट कोइंसिडेंट है और कुछ नहीं है, तेरा लक है। लक क्या होता है भैया। चलो गाइस, अभी हम लोग अपने टाइकून का ये वाला एरिया भी अपग्रेड कर लेते हैं। पता नहीं इधर क्या अपग्रेड में आएगा, इससे हमारे पास पैसे तो काफी है। और बाप रे, ये तो काफी अच्छा लग रहा है भैया, देखो तो जरा। ओए तू अपग्रेड वगैरह कर रहा है क्या? हाँ भैया, आप मेरे घर में तो आओ जरा। ओए बस मैं आ गया, और मुझे भी तेरा वैसे टाइकून में देखना था। तो भैया आपको ये कैसा लग रहा है? ओए स्विमिंग पूल भी बना लिया तूने तो, क्या बात है। ओए ये क्या चीज है? हे भैया देखो ना, आगे भैया आगे तो बढ़ो। ओए हाँ आगे बढ़ाओ। हेलो मैडम जी। अरे भैया उधर देखो यार। ओए हाँ मैंने टाइकून देखते हुए चल रहा हूँ। ओए ये क्या चीज है? हे भैया यही तो है खास चीज। देखो भैया गार्डन का एरिया मस्त है ना। ओए हाँ मुन्ना है तो काफी मस्त है। वैसे गाइस आप लोग को ये मेरा टाइकून कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आ लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। है भैया ऊपर की ओर तो वो तो भैया और भी मस्त बना है। क्या बात कर रहा है भैया, ये देखो। ओए क्या बात है, ये तो मस्त एरिया है। तो गाइस मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।